और चलिए खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की डीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट का मुद्दा अब गरमाने लगा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी बता रहे हैं। बता दें कि ऐसे में सूबे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की सुरक्षा घटाए जाने पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पेंडुलम समय के गतिमान के होने का प्रतीक है और वो सबके समय को बदलने का संकेत भी देता है, और वो यह भी कहता है कि ऐसा भी कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जा सके। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीजेपी के वंशवाद पर भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव के वंशवाद के ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की परिवार की अवधारणा अब संकुचित हो चुकी है। शिवपाल यादव भाई धर्मेंद्र यादव के चुनाव का प्रचार नहीं कर रहे, जबकि मैनपुरी से डिंपल यादव के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। शिवपाल यादव चुनावी चाचा बन चुके हैं, चुनाव के बाद चाचा स्वतंत्र हो जाएंगे। और इसके अलावा सपा और बीजेपी की जुबानी जंग के अखाड़े में अब कांग्रेस भी कूद चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में उनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। भ्रष्टाचार को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। सूबे में 8 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपियों को जेल में क्यों बंद नहीं किया? आइए सुनते हैं कि इस पूरे मसले पर किसने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट है, प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार हुआ इसमें कोई दो राय नहीं, जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में, भाजपा की ईमानदार नियत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल के सलाखों में पीछे होते, वो जेड केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या जिन राज्यों में इनकी सरकार है, ये केवल विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही टारगेट करते हैं। जब देखते हैं कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी हताशा निराशा जो है वो इस तरीके से टारगेट करके डिमोलाइज करते हैं, ताकि ये लोग डिमोलाइज हो जाएं, चुनाव प्रचार में ना जाएं, दूसरे जगह व्यस्त हो जाएं, जिससे इनको हर हथकंडे अपना करके चुनाव जीतना। क्योंकि भाजपा वो लोकतंत्र में भय तंत्र को हावी करना चाहती है। जो नेता, पत्रकार, पूर्व अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। जो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहती है, उनको प्रशासन का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और जिस तरीके से सीबीआई ने आदरणीय शिवपाल यादव जी से पूछताछ की अनुमति मांगी है सरकार से, वो इस समय ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। समाजवादी पार्टी के लिए अब परिवार की अवधारणा बहुत संकुचित हो गई है। अब परिवार में केवल MBBS यानी मियां बीवी बच्चों सहित केवल इतने तक सीमित हो गया है, वरना आज मैनपुरी में गांव गांव गली गली जाकर के अखिलेश यादव जी हाथ जोड़ करके वोट की अपील कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। इस तरह लगातार होता रहा, लेकिन अंत में मैनपुरी चुनाव के वक्त में जब उनके घर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, मुलायम सिंह यादव जी की सीट का मामला जुड़ा हुआ था, तो अंतिम फैसला उन्होंने यही किया कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी अपने भतीजे अखिलेश यादव जी के साथ वो चले गए। जाहिर सी बात है कि इस शिवपाल का अखिलेश के साथ जाने से मैनपुरी जिसमें बीजेपी अपनी जान फूके उस पर कब्जा करने के लिए, उसे जीतने के लिए कोशिश जो थी वो कहीं वो बड़ी चुनौती हो गई बीजेपी के लिए। आपने सुना कि इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी एक तरफ सपा को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को भ्रष्टाचार की जननी बता दिया, और इस पूरे अखाड़े में कांग्रेस भी सामने आई और कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका MKR न्यूज़ में। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जो गोमती रिवर फ्रंट का जो मुद्दा था वो अब वंशवाद पर पहुंच गया, हालांकि मैं जानना ये भी चाहूंगा कि क्या शिवपाल यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, क्या सीबीआई उन पर शिकंजा कसेगा, क्या कुछ मसला है?
शशांक जी, शिवपाल यादव लगातार और बिल्कुल। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो उस मामले में जो अधिकारी संलिप्त रहे हैं, क्या उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी? निश्चित तौर पर साफ तौर से जीरो टॉलरेंस नीति पर बात करने के बाद उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए स्थापित किया। उसके हमारे बीजेपी के प्रभाव की बात हुई, बीजेपी के बड़ी मुख्य इसके बाद उन्होंने कहा ये सिस्टम है, लगातार जांच जरूर हो कि अगर कभी भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो चाहे वो शिवपाल यादव हो या कोई भी अधिकारी जो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है, उन्हें नहीं जाएगा। उनकी भी साथ के अधिकारी जो 40 इकाई लगती है, शिवपाल सिंह यादव के साथ के अधिकारी जो थे उस समय, ये भी जो उसके उनके ऊपर भी सीबीआई जांच करेगी, जिन्हें लोगों से बात की जाएगी और जाना जाएगा की घोटाला उसकी भूमिका क्या थी। शिवपाल यादव की भूमिका के लिए बड़े सवाल हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पैकेट के जो फैसला लिया गया था, अभी अखिलेश यादव के लिया गया इस वक्त का, और जो आरोप है वो आरोप ये है की जिस तरह करोड़ों का काम होता है 50% पैसा खर्च भी हो गया। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 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 एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो गोमती नदी था उसके जो रिवर फ्रंट था उसका जो मुद्दा था, अब वो वंशवाद पर आकर रुक गया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बीजेपी का जो पूरा वंशवाद है वो उन्होंने पूरा बता दिया, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का निशाना साधा और उन्होंने MBBS बताया, यानी कि मुखिया बीवी बच्चे और परिवार सहित। तो ये जो पूरा वंशवाद का मामला है ये क्या कुछ है, इसका भी बात कीजिए। शिवपाल यादव की सिक्योरिटी डाउन की गई, उनकी सिक्योरिटी जिसके भाई की गई, शिवपाल यादव के साथ घटना में भी सुरक्षा ठीक करेगी। वही किसी को अखिलेश यादव प्रवक्ता है जो राष्ट्रीय नेता के प्रवक्ता लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं रोकी राजनीति और बदला लेने के लिए किया गया काम है, जबकि फैसला लिया गया और फिर फैसला लिया भी जाता है किसी नेता का सुरक्षा बढ़ानी है, किसकी घटानी है और किसको ज्यादा खतरा रहता है, जिसको लेकर डिसीजन लिया गया। कहीं की CBI जांच का जो मामला आया सामने उसने ये कहा है कि कहीं ना कहीं अब शिवपाल यादव के हिस्से में पड़े। वंशवाद वाली जो बात आपने कही तो साफ तौर पर LGDS जो LGDS वाली बात है उसको साफ तौर पर निवास करना गलत नहीं होगा। वार्ड प्लस वार्ड का दौर जो है वो यहाँ पर हो गया। अगर शिवपाल यादव ये तीनों की कोई खुल गई उसका पूरे में सबसे बड़ा सियासी परिवार जो है ना कल्याण सिंह यादव नेता चंदी से लेकिन सर सवाल यह है कि वंशवाद कहां पर नहीं है, वंशवाद तो यहां भी है, वंशवाद वहां भी है, इनके अनुसार ये वंशवादी है और इनके अनुसार ये वंशवादी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन किसके वंशवाद की बात कर रहा है। किसी पार्टी के अगर इतिहास को खोल लिया जाए, हिस्ट्री को पढ़ लिया जाए तो सभी पार्टियों में वंशवाद तो कहीं ना कहीं मौजूद है। निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी इस बात की समाजवादी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल देखते आए। खासतौर पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में तो इसी विशेष क्षेत्र है
और स्वाद का आनंद लेकर के सभी कलेक्टर पार्टियां सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर उठाना घाट करने लगी और पार्टी ने सभी पार्टियों के अपने भतीजा से भाई समाजवाद के भाई भतीजावाद है जो जो विवाद है उस सब है यानी पारिवारिक जो है वंशवाद की जो पॉलिटिक्स है ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी जो लोग हैं लेकिन अब जब बार प्रतिवार का दौर है तो एक दूसरे के ऊपर लोग जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में वंशवाद को लेकर भी एक बहस चल चुकी है। समाजवादी पार्टी जहां पर बीजेपी को वंशवादी बता रही है तो बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को वंशवादी बता रही है। और गोमती रिवर फ्रंट का जो मामला था अब वो वंशवाद पर आकर टिक गया है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। एक तरफ जहां पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है तो समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को भ्रष्टाचार की जननी बता रही है। ऐसे में सूबे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की सुरक्षा घटाए जाने पर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पेंडुलम समय के गतिमान के होने के एक प्रतीक है और वो सबको समय बदलने का संकेत देता है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए एनकेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।